गाइज, इंडिया हैज़ बिन लिटरली अनडिफीटेबल इन द वर्ल्ड कप 2023 एंड इस कंसिस्टेंसी को हमें मेंटेन करके रखना है इन गेम भी और इन रियलिटी भी। हम सब तो यही प्रे करते हैं कि इंडिया इस बार एक भी मैच ना हारे, सीधा वर्ल्ड कप उठा के लेके जाए। बट कुछ टीम्स ऐसी हैं जो लिटरली में काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे सकती हैं। एक को तो हमने धूल चटा दी है, अब बारी है दूसरी की। भले वो इस बार बहुत ज्यादा नीचे है, लेकिन हमें उससे भी पुराना हिसाब किताब चुत्ता करना है। हमें अपनी कंसिस्टेंसी, जो हम विदाउट लूजिंग खेल रहे हैं, वो भी मेंटेन करना है, प्लस हमें रिवेंज भी लेना है। तो आई होप सो आप सब लोग रेडी हो गए होंगे। सब्सक्राइब कर दो जितने लोग नए हो, फटाफट से सभी लोग सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, लाइक भी कर देना। एम करते हैं इस वीडियो पे हमेशा की तरह 100 लाइक्स का, और आई होप कि हमेशा की तरह तुम लोग कंप्लीट भी करा दोगे बहुत ही जल्द। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, एक और ऑर्डर हमें डिलीवर करना है, लेट्स गो। अगर चेस करना हमारी पुरानी आदत रही है तो लेट्स गो। पहला ओवर मोहम्मद शमी, और फील्ड हमने थोड़ी सी चेंज कर ली है। एंड व्हाट अ बॉल इन एक्शन मैन। पहली बॉल काफ़ी अच्छी तरीके से इन स्विंग हुई और विदाउट एनी रन। अच्छा चलो, एक आउट स्विंग भी ठीक है स्टंप के लाइन से। व्हाट, सीरियसली भाई, तीसरी बॉल में विकेट दे गया ये तो गजब है भाई। सही है यार, ये भी सही है, ठीक है। बैक पेन नहीं लग रही थी तो भाई साहब ने सोचा अटैक कर लेते हैं। शमी ने पहले ही भाई विदाउट एनी रन दिए हुए विकेट ले लिया, बट फाइनली बॉल निकल गई और इंग्लैंड के लिए पहले रन। भले ही भाई इंग्लैंड पॉइंट्स टेबल में बहुत ज़्यादा नीचे है, लेकिन इंग्लैंड टीम कड़क है। ओके, फाइनली जॉनी बेस्टो को हम लोग बॉल डाल रहे हैं। अच्छा, इसके पहले वाली बॉल जॉनी बेस्टो को ही तो थी। काफ़ी अच्छी बॉल, अबे भाई उसके पैर के पास से गई है। फील्डर कौन था यार, पैर के पास से गई है उसकी बॉल। वो बड़ा शॉट भाई, स्टेप आउट करके। फास्ट बॉलर को इजी नहीं होता। राइट, सो हमें इनकी पार्टनरशिप ब्रेक करनी होगी, एंड इसी स्पेशल चीज के लिए मैं लेके आया हूँ कुलदीप यादव को। आई होप सो पार्टनरशिप ब्रेक हो सके। डेविड मलान 29 पे खेल रहे हैं। शिट मैन, ये पावर प्ले का लास्ट ओवर है। पावर प्ले खुलने के बाद आई होप सो थोड़ी सी रिलीफ मिले। अभी तो भाई बहुत बड़े बड़े शॉट्स लग रहे हैं, बट मैं इससे दूर डालने की ट्राई करता हूँ। अगर ये स्टेप आउट करता है, करेगा ही नहीं। पकड़ लियो, मां कसम भाई, डाइव भी तो मार सकते हो तुम लोग, क्या बदतमीजी है ये। 50 भी हो गई उसकी सिर्फ 29 बॉल्स में, 4 छक्के 4 चौके, बताओ। लिटरली काफी अच्छा गया। एक और यॉर्कर ट्राई, ये छे यार, बोलने की देर थी, है ना। पता, मैं स्पिनर से यॉर्कर डालने की ट्राई कर रहा हूँ। वो विकेट, क्लियर विकेट है, लेट्स गो भाई, लेट्स गो। जिस ब्रेक थ्रू की जरूरत थी ना रविंद्र जडेजा ने, वो दिला दिया है। अब ये लोग रिव्यू के लिए जाते हैं या फिर नहीं, ये देखना पड़ेगा। ओके, रिव्यू के लिए गए हैं। आई होप यार कि विकेट मिल गई हो। बस एक ही डर है कि अंपायर्स कॉल। बच गए हिटिंग एंड आउट भाई, आउट है। लेट्स गो ब्रो, शट द फ, समझ गया तुम लोग क्या कहना चाह रहा था मैं। ऐसी की तैसी भाई तुम लोग की। यहाँ पे पार्टनरशिप ब्रेक करते हुए रविंद्र जडेजा, आगे ही बॉल रख रहा हूं मैं। ओके, कुछ ज्यादा ही आगे होगी। ओ भाई, बैक टू बैक विकेट्स यार, ऐसी की तैसी। हैरी ब्रूक हू, कौन, गोल्डन डक मैन। जाओ आराम करो, खाना खा के आओ। जडेजा इज ऑन हैट्रिक, बट ये बेन स्टोक्स है सामने। आ शिट, ओ हैट्रिक,
लिटरली वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक ले ली हमने 2023 की बात कर रहा हूं मैं। वो मैन जडेजा शोड लेवल ब्रो, पार्टनरशिप ब्रेक की लेकिन उसके साथ साथ पूरी इंग्लैंड की ना रीढ़ की हड्डी तोड़ दी भाई। हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स, डेविड मलान, खत्म। हैट्रिक ले चुका है ऑलरेडी जडेजा, हम लोग आगे ही बॉल रखेंगे, ज्यादा टर्न नहीं देंगे बॉल को। व्हाट, एक हाथ से हार्दिक पांड्या भाई, चार बॉल में चार विकेट्स, मैन अनबिलीवेबल ब्रो, क्रेजी। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, लिटरली एक ओवर में चार विकेट्स ले ली। आ शिट, नो बॉल डाल दी हम लोगों ने। एंड भाई ये कैच हो सकता था क्या? ओ ये लोग रन के लिए भागे, डायरेक्ट हिट है, बट भाई यहाँ पे भी तो फेंक सकते थे तुम नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे। क्या बदतमीजी है ये, एक और विकेट मिलता था यहाँ पे, कंफर्म था। ओके फ्री हिट है, आई होप सो, ज्यादा लंबा ना मारना भैया। पड़ी नहीं भाई उसके बैक पे, लगी ही नहीं बॉल ढंग से, और ये डायरेक्ट हिट एक और, बहुत तेज थ्रो भाई मोहम्मद शामी का, बट ओके इजीली वहां पे रन पूरा करेंगे वो। यार वो नो बॉल ने गड़बड़ कर दी भाई, जड्डू सिर्फ एक ही का विकेट नहीं ले पाया है, वो है जॉनी बेस्टो भाई, 74 बॉल्स में 99 रन पे है वो। सोचो अगर 99 पे उसका विकेट गया, कैच बड़ी, वो कितना हाई गया यार प्लेयर से अपने। छी सैम करन भैया, GFVF नहीं है क्या तुम्हारी? वो वाला बॉल भाई, स्पिनर से भी ना यॉर्कर बहुत अच्छी डलती हैं, सीख लो। गोइंग फॉर द लेग स्पिन, एक तो मैं राउंड द विकेट क्यों डालता हूँ मुझे पता नहीं, अच्छा लगता है। यार ये हो गई ना गंदी बॉल यार, रहते रहते पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, ये बंदा लिटरली पार्टनरशिप ब्रेक करने के लिए क्रेजी है। आगे यॉर्कर के लिए जा रहा हूँ मैं, एंड इट्स अ विकेट आई थिंक सो। ओके मैं एक चांस लेना चाहता हूँ 99 पे, सोचो अगर वो आउट होगा तो उसे कैसा लगेगा। शिट, इंपैक्ट ही आउटसाइड लेग हो गया। थोड़ी देर बाद, तो गाइस फाइनली ये रहा हमारा हिसाब किताब टोटल देखे तो मुझे लिटरली जरा से भी उम्मीद नहीं थी कि यहां तक ये लोग पहुंचेंगे, बट जॉनी बेस्टो सैम करन की कुछ पारियों की वजह से ये लोग यहाँ तक पहुँच गए। 435 रन इन्होंने बनाया एंड हमें चाहिए 436 रन जीतने के लिए। ये आई थिंक सो अभी तक का सबसे बड़ा टोटल होने वाला है जो हम लोग चेज करेंगे। यार अभी तक इंग्लैंड चूहा बनी हुई थी लिटरली, अचानक से बब्बर शेर कब बन, नहीं सॉरी शेर कब बन गई ये पता नहीं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता हम लोग बब्बर शेर हैं, इनके पापा। सॉरी नहीं बब्बर शेर, शेर का बाप नहीं होता, मैं ऐसे ही कह रहा था भाई, तुम लोग तो बड़े सीरियस लेके चले जाते हो यार। लिटरली हम लोग को स्टार्टिंग से अटैक करना पड़ेगा, अगर हम लोग पहले ओवर से अटैक करना नहीं शुरू किए ना तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, एंड हमें अपने विकेट्स भी बचाने, क्योंकि बहुत बड़ा टोटल चीज करना तो विकेट्स हाथ में होने बहुत ज़रूरी है। फिलहाल पहली गेंद और स्पिनर को लगाया इन्होंने, आई थिंक सो ये लोग सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा टोटल है तो ये लोग हमें आसानी से डिफीट कर सकते हैं, लेकिन नहीं भाई। ओ भाई बहुत शॉट बहुत बढ़िया थी, लेकिन फील्डिंग उससे भी बेहतर। ओके मेरा फेवरेट शॉट शुभमन गिल खेलते हुए, एंड चार रन मिल जाएंगे आराम से, इसी के साथ पहला चौका शुभमन गिल के बैट से। ओके इट्स अ नो बॉल ऑल्सो, खत्म खत्म करियर खत्म, मोइन अली भाई करियर खत्म आपका, IPL खेलो बस। ऑलराइट, ओ भाई फ्री हिट का सही इस्तेमाल शुभमन भाई सब बहुत अच्छे से जानते हैं, लेट्स गो 6 रन। ब्रो व्हाट वाज दिस शिट मैन, बैक को एज लक के स्टंप पे लग गई यार, किस्मत ही नहीं है भाई मेरी शुभमन गिल के साथ सच में। ऑलराइट किंग कोहली 13 मैचेस में 1028 रन, स्ट्राइक रेट 143, मैं पूरी स्टैट्स पढ़ नहीं पाया बट ग्रेट। ओके पहली बॉल पे कवर ड्राइव लगा के सिंगल ले लिया और स्ट्राइक अगले ओवर में इनके पास ही रहेगी, और इट काफ़ी बड़ा गैप है इधर साइड को। वो वाला ड्राइव, ये थोड़ा सा अलग ही शॉट लगा, मेरे को लगा कवर ड्राइव खेलना चाह रहे हैं, लेकिन ये लेग साइड की तरफ पे चौका मिला, बहुत अच्छा शॉट।
यार थोड़ा सा डर ही लगता है ऐसा शॉट खेलने में, लाइक बहुत लेट खेलता है। देखो अर्ली टाइमिंग दिखा रहा है वहां पे, लेकिन लेट खेला भाई ने। यार पागल हो गए हो यार, यार लिटरली मैं इतना ज्यादा संभल के खेल रहा हूँ फिर भी विकेट्स जा रही है ना, चिढ़ आ रही है भाई मेरे को। फिर से केएल राहुल और विराट कोहली को वही करना पड़ेगा जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किया था। इन फॉर्म किंग कोहली अभी तक सिर्फ एक ही मैच में खराब खेले हैं पाकिस्तान के। वो वाला शॉट आउट ऑफ द स्टेडियम भाई, स्टेडियम के बाहर मार दिया ये तो। एक तो मेरा फेवरेट शॉट, ऊपर से इतनी ज्यादा ताकत से मारा ना कि सीधा स्टेडियम के बाहर गई है बॉल। एक बार रीप्ले देखो, कट मत हो जाना, ये देखो भाई सीधा स्टेडियम के बाहर। ओके अंपायर ने नई बॉल मंगा ली होगी शायद, तभी क्रिस वोक्स भैया वापस से तैयार होते हुए। ओ ओ ओ बच गए, जरा सा बचे हम लोग, बट इस बॉल पे भी चौका मिलेगा। ये ओवर बड़ा आता हुआ और रन रेट भी हम लोगों ने काफी मेंटेन कर लिया है इस ओवर में। यार व्हाट अ शॉट, केएल राहुल, कमाल लाजवाब राहुल भाई। सही में इसका नाम कमाल लाजवाब राहुल ही होना चाहिए था, बहुत बढ़िया शॉट यार। ऑलराइट सो हमने काफी सारी बॉल्स लाइक डॉट करी हैं क्योंकि हमें सेट होना था। एक बार हम लोग सेट हो गए भाई, फिर इंडिया इज अनस्टॉपेबल मैन। इंडिया अभी भी जीत सकती है मैच, हारी नहीं है। वो जस्ट मिस्ड। वाओ विराट द किंग कोहली ब्रो, अनस्टॉपेबल, ही इज द चेस मास्टर। ओके बहुत देर के बाद हमने कोई बाउंड्री हिट करी 6 रन्स के साथ, वी आर बैक इन गेम। मैं ट्राई कर रहा हूँ एक मैं बाउंड्री निकाल सकूँ इन द गैप, बट नहीं आ रही है। आई एम गोइंग फॉर वन मोर बिग शॉट, लेट्स सी। एक वॉट अ शॉट ब्रो, वॉट अ शॉट। पहली बात, इस शॉट के साथ किंग ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, बट लिटरली वॉच द शॉट ब्रो, अनबिलीवेबल मैन। स्टेप आउट करके लिटरली कलाइयों का प्रयोग और 6 रन्स के लिए बाउंड्री से बाहर बॉल। किंग कोहली इज ऑन स्ट्राइक, बहुत बड़ा शॉट, एक और बॉल स्टेडियम के बाहर। मां कसम मेरे को जब बॉल लगी ना बैट पे, मेरे को लगा अंतरिक्ष से बाहर गई ये बॉल, लेकिन ठीक है स्टेडियम के बाहर भी बहुत होता है। व्हाट अ शॉट मैन, किंग कोहली के बल्ले से हर एक शॉट बहुत बहुत क्लासिकल लगता है। 20 रन, बड़ा ओवर और एक और बड़ा शॉट यार। हाइट तो क्या ही बोलूं, दूरी भी बहुत मिली है 6 रन्स। आदिल रशीद, इसने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है हमें, आई होप सो किंग कोहली को भी ना करे ज़्यादा परेशान। ओ शिट, मैन व्हाट द हेल, नो विराट कोहली की विकेट है भाई ये, चेज मास्टर की। अब ये चेज इतनी ज्यादा डिफिकल्ट हो चुकी है ना, पहली बात तीसरा विकेट था ये हमारा और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है यार ये। बट वेल प्लेड किंग, यू डिजर्व वेल। ऑलराइट, व्हाट अ शॉट, केएल राहुल स्टेडियम के बाहर। भाई आज इंडियंस स्टेडियम के बाहर ही मार रहे हैं बॉल, मतलब नई नई बॉल लाते रहो बस। 3 छक्के 8 चौके के साथ बहुत बढ़िया। इंग्लैंड थोड़ी टेंशन में नजर आती हुई क्योंकि केएल राहुल फुल फॉर्म में नजर आते हुए एक और स्टेडियम के बाहर मार दिया ब्रो। व्हाट अ शॉट, बैक टू बैक दो बॉल घुमा दी। सॉरी सैम करन भाई, मेरी कोई गलती नहीं है, केएल राहुल को अटैक करना है, उसका मन है। बैक टू बैक 3 छक्के, फिलहाल ये स्टेडियम के बाहर नहीं गया, लेकिन व्हाट अ स्ट्राइक, व्हाट अ स्ट्राइकिंग केएल राहुल। केएल राहुल अगेंस्ट लियम लिविंगस्टन, काफी अच्छा शॉट है। ओ नो शिट, एक और बहुत बड़ा विकेट लूज किया हमने। अरे रोनाल्डो वाला सेलिब्रेशन ना करो यार। ओके हमने रविंद्र जडेजा को बुलाया है, आई होप बहुत गड़बड़ ना हो गई हो क्योंकि 198 तो हम लोग पहुंच जरूर गए हैं, लेकिन 4 विकेटें भी हमने लूज करी हैं। जडेजा ने पहली बॉल से स्ट्राइक करने का सोचा है, अपने पास एक ही लेफ्ट हैंड बैट्समैन है जडेजा, बाकी सब राइट हैंडेड हैं क्योंकि ईशान किशन को हमने रेस्ट दिया है
और उनकी जगह हमने सूर्य कुमार यादव को खिलाया है। एक और बड़ा शॉट जड्डू का और इस पे भी चौका मिल जाएगा। भागो पीछे भागो, डाइव मारता था वैसे रोक सकता था वो। दिस हैपेंस व्हेन इंडियन टीम बिकेम अनस्टॉपेबल। भाई एक और बहुत बड़ा शॉट और 6 रन मिलेंगे इस पे, तो 4 नहीं, अब चौके से काम नहीं चलेगा। ओके 6 रन अगर हम पढ़ते हैं यहाँ पे, 6 ही पढ़ेंगे भाई, मैं कह रहा था 6 रन पढ़ते हैं यहाँ पे तो जड्डू का हाफ सेंचुरी हो जाएगी 13 बॉल्स में, समझ रहे ODI में 13 बॉल्स में हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। अरे बैट तो सही हाथ में पकड़ लेते, 5 छक्के 5 चौके। भाई एक भी सिंगल नहीं भागा इसने, ना सिंगल ना डबल, पूरी इंडियन टीम खुश। ब्रो दिस इज हाउ अ डिस्ट्रक्टिव पार्टनरशिप लुक्स लाइक, मतलब अटैक भी करा है अल्टीमेट लेवल पे और पार्टनरशिप तो क्या ही मेंटेन करी, 6 बॉल में 6 चौके मार चुका ये। और या स्काई की हाफ सेंचुरी, पहला मैच 12 चौके 1 भी छक्का नहीं है फिलहाल स्काई के बैट से, ऐसा होता नहीं है यूजुअली। खैर कोई नहीं, आज जडेजा का दिन है, मोइन अली को भी हमने अच्छा खासा धोया है। एंड इट्स कंटिन्यू, 6 रन के साथ स्वागत किया इस वाले ओवर में भी, अब मैच जल्दी ख़त्म करने की चुल मच रही है। ओवर 100 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है हमारी, थोड़ा सा रूम बनाते हैं। एंड अगेन बिग शॉट 6 रन के लिए, बिल्कुल ये भी जाएगा, थोड़ा सा आगे गिरा बाउंड्री के, बैक टू बैक 2 चौके। एक और बड़ा शॉट भाई, बैक टू बैक 3 छक्के ब्रो सीरियसली। अरे जड्डू भैया रो देंगे यार वो लोग आराम से। 147 बॉल में 105 रन, भाई कहाँ से कहाँ मैच ले आए ना हम लोग। स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि जब विकेट्स फॉल हो रही थी ना कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट भाई जडेजा तो आज 6 एंड 4 में ही डील कर रहा है, सिंगल तो भागे ही नहीं है इस बंदे ने आज। 99 रन चाहिए अब हमें, एंड 98 पे हमारा जड्डू पहुंच चुका है भाई। ओके बिग शॉट एंड इट्स अ फर्स्ट वर्ल्ड कप 100 फॉर रविंद्र जडेजा। 5 विकेट्स हॉल भी ले लिए आज, शतक भी बना दिया आज भैया, दूसरे किसी की जरूरत ही नहीं है, सब जडेजा भैया ही कर लेंगे, कोई किसी की जरूरत नहीं है आज। गाइस जडेजा की एक बहुत ही शानदार पारी यहाँ पे समाप्त हुई, उसका विकेट रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं। ओ भाई व्हाट अ शॉट, 6 रन स्काई। ओके स्काई भी 94 पे पहुंच गया, अगर एक और छक्का लगता है यहाँ पे तो सीधा 100 हो जाएंगे, एंड हमें विन के लिए चाहिए सिर्फ और सिर्फ 46 रन। मोइन अली रिमांड पे एक और बड़ा शॉट, बट ये 6 नहीं है 4 है, बट ओके 2 रन दूर, ओनली 2 रन फॉर स्काईज 100। एंड ये पहला मैच था वर्ल्ड कप का, डेब्यू मैच समझो, बहुत अच्छा जा रहा है। ओके अरे भैया वाइड, ओके मोइन अली भैया प्रेशर में, बहुत ज़्यादा प्रेशर में, बहुत लंबी वाइड थी वो यार, अब तो रन बचे ही नहीं तुम्हारे पास। ओके ओ भाई 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 बच गए, बट ये 4 रन चली जानी चाहिए, बिल्कुल जाएगी और 4 रन मिलेंगे इसी के साथ। 51 बॉल्स में स्काई ने पूरी करी अपनी वर्ल्ड कप 100, फर्स्ट वर्ल्ड कप 100, लेट्स गो। ओके 20 चौके 1 ही छक्का आया था, 200 के स्ट्राइक रेट से पूरा किया ये शतक बोल्ड पे, अच्छा पहले ही लग गए थे। ओके 400 रन हो चुके हैं, अब हमें चाहिए सिर्फ 36 रन फॉर द विन। अरे भैया इतना ज़्यादा प्रेशर में आ गए हो कि एक और वाइड डाल दी, 29 रन फॉर विन। ओहो हार्दिक पांड्या नेवर मिसेस, एक और 6। आदिल रशीद जिसने बहुत बड़े विकेट लिए थे, एक विराट कोहली का एक रोहित शर्मा का, उससे पूरा हिसाब किताब चुत्ता करते। ओ नो ओके खैर अभी कोई फ़ायदा नहीं तुम्हारे सेलिब्रेशन का, तुम्हारे कैच का, लेकिन मैं कैच की तारीफ करूँगा भाई, बहुत अच्छा कैच था। एंड स्काई एंडेड हिज इनिंग्स, ने स्काई फिनिश करी ये मैच, और किंग कोहली और केएल राहुल टिके रहते तो भाई क्या ही बात थी। अरे भाई मैंने देखा है भाई जसप्रीत को बड़े शॉट्स मारते हुए, 37 रन मारे थे वो भी टेस्ट में एक ओवर में। ओके बिग शॉट और 4 रन के साथ यहाँ पे हम लोगों ने विजय प्राप्त की, और इसी के साथ अनडिफीटेबल है भाई, अनडिफीटेड है हम अभी तक, 0-6 के साथ हम लोग अनडिफीटेबल है, इंडिया इज अनबीटेबल इन दिस वर्ल्ड कप, कोई नहीं छीन सकता इनसे ये वर्ल्ड कप। और या रविंद्र जडेजा ही मैन ऑफ द मैच के हकदार थे, क्योंकि 109 रन एंड 5 विकेट्स हॉल अचीव किया था, बेस्ट।
तो गाइज आई होप सो ये वाली गेमप्ले वीडियो आपको जरूर से अच्छी लगी होगी। कैसी लगी बताना प्लीज कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब। एंड बाकी यार मैं हमेशा की तरह मिलता हूँ तुम लोग बहुत जल्द एक नई गेमप्ले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। एंड हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज।